आ गई अपनी। सरसों का साग और मक्के की रोटी, बस जीती रहो मां जीती रहो। साग तो मैंने बनाया है भैया। तुमने बनाया है तो तुम भी जियो। क्या बम्बई में साग नहीं मिलता? अरे माँ, बम्बई में घास मिलती है। खाओ खाओ खाओ। तुम ही कह दो ना। तुम क्यों नहीं कहते? आप हिचकिचा क्यों रहे हैं पिताजी? मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? जी हाँ, जायदाद ही की बात है ना, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी बेटा। देखा जाएगी कि माँ मेरे बच्चों के लिए कौन करेगा। कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है रुपए भी तुम साथ ही लाए होगे। रुपया? रुपया कैसा पिताजी? तो फिर तुम क्या जानते हो? क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कोई कानूनी अड़चन हो तो मुझे बताइए पिताजी। हम कुछ नहीं समझे, आखिर बात क्या है? माँ तुम चुप क्यों हो? कैसे बताऊं बेटा, इस फर्नीचर तक 10,000 रुपए ना अदा किए गए तो हवेली हाथ से निकल जाएगी। हवेली हाथ से निकल जाएगी? ये तुम क्या कह रही हो माँ? हवेली माधो राम के पास गिरवी है बेटा। गिरवी और हमें पता तक नहीं? अगर हालात मजबूर न करते तो मैं शायद अब भी न बताता। तो इसमें घबराने की क्या बात है पिताजी, जमीन बेचकर हवेली छोड़ा लीजिए। और अगर जमीन पहले ही से गिरवी होता तो यूँ कहिए कि पहले ही सब कुछ साफ हो चुका है। मोहन, तुम्हारे बाप ने जुआ नहीं खेला, ये सब तुम्ही लोगों पर खर्च हुआ है। देखो भैया, ये हमारी इज्जत का सवाल है। हवेली अगर हाथ से निकल गई तो हमारा सिर झुक जाएगा। 10,000 रुपए तुम सब भाइयों के लिए मुश्किल ही क्या है? मैं मजबूर हूँ मोहन। मुझे सख्त अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वकालत में तो आज रोटी भी चलना मुश्किल है माँ। तुम जग्गी बेटा। पिताजी मैं क्या बताऊँ, मुझे तो सिर्फ 500 रुपए तनख्वाह मिलती है, उस पर मकान का किराया, बच्चों की तालीम, नौकर की तनख्वाह और फिर अपनी पोजीशन। बचत तो क्या पिताजी, हर महीने 10-20 रुपया कम हो जाता है। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में करूं तो गुजारा मुश्किल हो जाए। तो फिर क्या होगा? मैं क्या बता सकता हूँ? मैं बताऊँ? तुम दोनों अपनी बीवियों के जेवर बेचकर हवेली छोड़ा सकते हो। ये कैसे हो सकता है? बीवी के जेवर पे मेरा कोई हक नहीं, वो तो कानून की रूप से भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो फिर हवेली निजाम हो जाए। नहीं पिताजी, अगर मेरे जेवर हवेली बचा सकते हैं तो ये लीजिए। नहीं, हमारे यहाँ बेटे का धन नरक समान है। तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया बहन। जग्गी की माँ तुम जाओ। तुम लोग फैसला कर लो कि तुम क्या कर सकते हो, ताकि मैं सोच सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। रो रही हो? पगली है, हवेली छूट गई तो क्या गम है, हमारा साथ तो नहीं छूटा। मैं इन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ। फिर सोचता हूँ कि तुम्हारी भाभी और लिली कहाँ रहेंगी? क्या कहा? बहन तुम तो जानती हो कि आजकल जगह की कितनी तंगी है, और फिर मेरे मकान में कुल 3 ही तो कमरे हैं, एक हमारा, एक लिली का और एक ड्राइंग रूम। तो गोया माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं? नहीं नहीं चन्नी, तुम तो हर बात को उल्टा समझ लेते हो। मेरा मतलब तो सिर्फ ये